नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी का ब्रह्मास्त्र जमीन पर उतारा है वो अपने आप में देखने लायक है, क्योंकि उसके बाद से सभी विपक्षी दलों में जो है वो हड़कंप मचता हुआ दिखाई देने लगा है। एक तरफ सभी विपक्षी दलों ने यह प्लान किया था कि वो महागठबंधन बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव में जो है वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी का अपना ब्रह्मास्त्र उतार कर उनके इस महागठबंधन की राजनीति पर कहीं ना कहीं रोक लगा दी है। आपको बता दें कि जिस तरीके से यूसीसी को लेकर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में अपने दिए भाषण में मोहर लगाई थी, उसके बाद से विपक्षी दलों में और भी ज्यादा जो हड़कंप है वो मच गया। इसके साथ ही देश के कई मुस्लिम संगठनों के बीच में भी जो है वो ये हड़कंप मचता हुआ दिखाई दिया और वो इसके खिलाफ होते हुए नजर आए, और इसी के चलते पिछले कई समय से जो है अलग अलग विपक्षी दल इसके विरोध कर रहे हैं। कुछ विपक्षी दल इसके साथ भी हैं, लेकिन ज्यादातर विपक्षी दल इसका विरोध कर रहे हैं, और वहीं कई मुस्लिम संगठन ऐसे हैं जो इसके विरोध में उतर चुके हैं। अब आपको बता दें कि इसी बीच इसी कड़ी के अंदर ओवैसी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मिले, साथ ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो भी गए, और कई मुस्लिम संगठन वहां गए और उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर से मिलकर जो है वो इस कानून को यानी कि यूसीसी को रोकने की मांग की, उनका सहयोग मांगा। ओवैसी का कहना है कि अगर ये लागू हो जाता है तो इससे हमारी देश की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी, और सिर्फ मुस्लिमों को ही नहीं बल्कि ईसाइयों और सिखों और बाकी दूसरे जो धर्म है उनको भी कहीं ना कहीं ये जो है नुकसान पहुंचाएगा, और इससे हमारी देश की जो विविधता है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। क्या कहा ओवैसी ने, चलिए आपको वो सुनाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तेलंगाना के जितने मेंबर्स और जो तेलंगाना में जितने मुस्लिम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हैं उस पर मुश्तमिल एक डेलीगेशन मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं उनकी लीडरशिप में उनकी क़यादत में तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला से हमारी मुलाकात हुई, जिसमें हम तमाम ने जनाब के चंद्रशेखर राव साहब से इस बात का मुतालबा किया, इस बात की गुजारिश की कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से जो यूसीसी लाने की बात की जा रही है, हमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री और वज़ीर आला से ये कहा कि आप उसका पोस्ट करिए, उसकी मुखालिफत करिए। हमने चीफ मिनिस्टर को इस बात का याद दिलाया कि पिछले 10 साल से तेलंगाना स्टेट में उनकी सरकार है, स्टेट में पीस बहुत स्ट्रांग हुआ है, अमन मजबूत हुआ है। हमने चीफ मिनिस्टर को और बीआरएस के प्रेसिडेंट को ये भी बात याद दिलाई है कि पूरे मुल्क में अगर किसी असेंबली में CAA NPR NRC के ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन पास हुआ था वो तेलंगाना के असम्बली में सबसे पहले हुआ था, और हमने चीफ मिनिस्टर को अपने रिप्रेजेंटेशन में ये बात दिलाई कि जब CAA का रेजोल्यूशन तेलंगाना में असम्बली में पास हो रहा था तो उस वक्त BRS की हुकूमत ने सरकार ने उस रेजोल्यूशन में प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म की बात की, तो हमने चीफ मिनिस्टर को ये बावर किया, ये इम्प्रेस किया कि UCC हमारे देश के प्लूरलिज्म के लिए एक अच्छी बात नहीं है, सेकुलरिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है। हमने चीफ मिनिस्टर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो लॉ कमीशन को जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने एक नोट दिया है जो 74 पेजेस पर मुश्तमिल है, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे प्रेसिडेंट मौलाना खालिद सैफुल्ला रहमानी साहब उनको बताए हैं कि कैसे बीजेपी यूसीसी के नाम पर इस मुल्क के प्लूरलिज्म और सेकुलरिज्म को कमज़ोर करना चाहती है। हमने बीआरएस के प्रेसिडेंट वो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को भी बताया कि सिर्फ ये मुस्लिम माइनॉरिटी का मसला नहीं, ये क्रिश्चियंस का भी मसला है, ये मसला ट्राइबल से भी जुड़ा हुआ है, और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल नहीं है, तेलंगाना में ट्राइबल है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल है, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल है, गुजरात में ट्राइबल है, राजस्थान में ट्राइबल है, उनका एक कल्चर है और उसका तहफ़ करना, और ये सिर्फ ट्राइबल नहीं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों के लिए भी ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के तहत
3,000 करोड़ का टैक्स रिबेट हमारे हिंदू भाइयों को मिलता है 2015 के इनकम टैक्स के फिगर्स हैं। और अगर यूसीसी आएगा तो हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। हमारे मुल्क का प्लूरलिज्म हमारे मुल्क की खूबसूरती है और भारत के प्रधानमंत्री को प्लूरलिज्म से एलर्जी है, वो प्लूरलिज्म को पसंद नहीं करते। हमने चीफ मिनिस्टर को के चंद्रशेखर राव के बताया कि भारत के प्रधानमंत्री बोलते कि एक घर में दो कानून कैसे होगा। तो आज आप देखिए कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलत कहा, मिसगाइड किया पूरे नेशन को। हमारे मुल्क में CRPC हर स्टेट में अलग है, हमारे मुल्क में दो कानून है। अगर आप देखेंगे तो नागालैंड में CRPC का अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। हमारे देश में अगर आप कोई बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज़ है उनका आर्बिट्रेशन की हमने सहूलत दी कि वो सिंगापुर जाकर आर्बिट्रेशन करा सकते हैं। तो ये बात कहना प्रधानमंत्री का बिल्कुल गलत है। प्रधानमंत्री प्लूरलिज्म को पसंद नहीं करते। तो ट्राइबल का मसला है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के ट्राइबल का नहीं है। अमित शाह अगर ये नागास को बोल रहे हैं कि नहीं हम ट्राइबल्स को लॉ कमीशन एग्जेप्ट करेगा, तो फिर छत्तीसगढ़ के ट्राइबल का क्या होगा, तेलंगाना के ट्राइबल का क्या होगा, झारखंड के वो टेनेंसी लॉस का क्या होगा, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल्स का क्या होगा। तो ये भारत की खूबसूरती उसका प्लूरलिज्म है, उसकी डाइवर्सिटी है, जो RSS और BJP को पसंद नहीं आती है। तो इसलिए हम CM से बात किए और चीफ मिनिस्टर ने साफ और वाजे अल्फाज में इन क्लियर कट टर्म्स चीफ मिनिस्टर ने कहा कि BRS पार्टी UCC का पोस करेगी। बल्कि चीफ मिनिस्टर आगे बढ़ के ये बात कहे हैं कि वो लाइक माइंडेड पार्टीज से भी बात करेंगे। हमसे भी कहा कि वो भी हम भी जाकर लाइक माइंडेड पार्टी से बात करें।